Hello everyone. In the last chapter, we have studied about the reaction, general reactions of acid and base. तो पहले हमने जो reaction पढ़ी थी, वो पढ़ी थी metal के साथ, acid की भी और base की भी. तो देखा था दोनों ही केस में एक salt बनता है और hydrogen gas evolved होती है. दूसरी जो reaction है, ये जो green box में यहाँ पर दी गई है, दूसरी जो reaction थी आपकी acid की थी metal carbonates के साथ या metal hydrogen carbonates. जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं उन्हें मेटल बाई कार्बोनेट्स भी बोला जाता है. तो अगर मैं कहीं मेटल बाई कार्बोनेट्स भी बोलती हूँ तो समझ जाइए क्या है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, तो अगर ये जो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जनरली ये सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस है, जाहिर सी बात है. तो आपको सॉल्यूशन में एफर्वेंसेस नजर आएंगे. एफर्वेंसेस समझते हैं, जैसे कोई गैस निकलती है, ठीक है, तो बबल फॉर्मेशन होते हैं ऐसे दिखेगा आपको. ठीक है, क्या? और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका हमने इसे कैसे कंफर्म किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड ही है, कोई और गैस नहीं है? तो हमने इसको लाइम वाटर में पास किया था. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, ये बात आपको पता है. तो एक बार आप इसको हल्का सा एक बार इसको याद करें कि ये कौन सी रिएक्शन मैंने प्रोवाइड करी है. आई होप कि आपने इसको एक बारी देख लिया होगा, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ. ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर. ये एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो हमने एक रिएक्शन लेके समझा देती हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है और हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि एसिड है, अगर ये दोनों आपस में मिला दिए जाएं तो NaCl बनता है, साथ में वाटर बनेगा. अब देखो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और साथ में इनकी फिजिकल स्टेट भी साथ के साथ मेंशन की गई है. मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस लिखा है, मतलब ये पानी में घुला हुआ है. HCl भी पानी में घुला हुआ है. सोडियम क्लोराइड एक्वस है, ये भी पानी में घुला हुआ मिलता है. जो पानी है वो तो पानी, मतलब पानी तो खुद में एक लिक्विड है, तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, एल. ओके, तो ये जो रिएक्शन है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, क्योंकि जो बेस और एसिड मिलकर जो ये सॉल्ट बनते हैं ये न्यूट्रल होते हैं. ठीक है, इनका पीएच 7 होता है. अभी पीएच क्या होगा वो मैं बता दूंगी, आगे टॉपिक आने वाला है. एक दो टॉपिक छोड़ के पीएच हमने पढ़ना है क्या होता है. तो ये जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है, इसलिए नाम पड़ गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दूसरी बात, ये एक और तरह की रिएक्शन है ना, इस तरह की रिएक्शन, सेम ये रिएक्शन हमने किसी और टॉपिक में भी पढ़ी थी. अगर आपको याद हो, जब मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि NaOH और HCl मिलकर NaCl और वाटर बनाते हैं. ठीक है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है. ठीक है, तो दोनों मतलब रिएक्शन वही है, नाम दो है इनके. ओके, तो एक जनरल जो इक्वेशन हमारे पास है एसिड और बेस के लिए, तो आप याद रखना जब भी एसिड और बेस मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर. अभी तक तीन जनरल रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, एक तो एसिड और बेस की मेटल के साथ रिएक्शन, दूसरा हमने हाँ और एसिड और बेस की जो मेटल के साथ रिएक्शन थी उसमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है. हाइड्रोजन गैस कैसे कन्फर्म की जाती है, जब आप उसके पास कोई बर्निंग कैंडल लेके जाओगे तो आपको पॉप साउंड सुनेगी. ठीक है, तो वहां से कंफर्म हो गया कि वो हाइड्रोजन गैस है. दूसरी जो आपने रिएक्शन पढ़ी है वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ पढ़ी है, जिसमें भी क्या बनता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर वो हम लाइम वाटर में पास करेंगे तो हमारा लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा. क्लियर. तीसरी जो रिएक्शन है वो एसिड और बेस की है, कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं. तो हमने देखा इस केस में एसिड कोई गैस प्रोड्यूस नहीं होती है. ठीक है, तो और बनता क्या है, एक सॉल्ट बनता है, दूसरा वाटर की फॉर्मेशन इस रिएक्शन में होगी. ठीक है, तो तीन तरह की रिएक्शन अब तक हमने पढ़ चुके हैं, ये जनरल रिएक्शन है. चौथी जो है, जो आपकी फोर्थ है, दैट इज योर रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स. तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन देखनी है एसिड के साथ. अब एक चीज हम आपको बता दें, आप इसमें लिख भी लीजिए साथ में, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ. देखो ये दिख रहा है ना आपको, रेड कलर में मैंने लिख दिया है.
मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ये बेसिक होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, ये बेसिक होते हैं, क्लियर। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये चीज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होंगे, मतलब बेस की तरह बिहेव करेंगे, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अब एग्जांपल भी देख लीजिए, मेटल ऑक्साइड क्या होगा, मेटल का ऑक्साइड, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोई ऑक्साइड बनाएगी, है ना। तो जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये किसके एग्जाम्पल है, ये मेटल ऑक्साइड के एग्जाम्पल है। दूसरी बात, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होंगे, नॉन मेटल क्या क्या है हमारे पास, जैसे कई सारी हैं, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सभी क्या है आपकी नॉन मेटल हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब आपके नॉन मेटलिक ऑक्साइड हैं, और ये जो ऑक्साइड हैं ये एसिडिक होते हैं। अब आगे समझ में आ गई, दोनों बातें समझ में आ गई है। अब रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन किसकी है, मेटल ऑक्साइड किसकी है, एसिड के साथ। अब पता है ना मेटल ऑक्साइड बेसिक है, है ना, तो बेस की रिएक्शन है एक तरह से एसिड के साथ, है ना, हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बेस की रिएक्शन है एसिड के साथ। तो जब भी बेस और एसिड की रिएक्शन होती है, किसी बेस के किसी एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। तो मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए जो ये रिएक्शन है इसको मैं समझा देती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल लेके। देखिए, मैंने मेटल ऑक्साइड लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में क्या डाला है इसमें, हाइड्रोजन क्लोराइड डाला है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड मेरा एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड मेरा मेटल ऑक्साइड है। जब ये दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है, साथ में बना है वाटर। तो देखा, मेटल ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाया जिसका नाम था कैल्शियम क्लोराइड, साथ में वाटर बनाया। ये वाटर के साइड में मैंने एक्वस लिख दिया है बाय मिस्टेक, इसको एल कर लेना, ये लिक्विड है, ठीक है, ओके। एक्वस तो उसको बोलेंगे जो पानी में घुला होता है, जो खुद, तो पानी को तो खुद ही है, अकेले में अपने में तो प्योर है ना, तो पानी को तो हम एक्वस नहीं लिखेंगे, पानी को हम लिखते हैं लिक्विड, ठीक है, एल लिखते हैं, ओके। उसके बाद है यहाँ पे देखिए, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस, ठीक है। तो मेटलिक जो मेटल ऑक्साइड थे उनकी रिएक्शन तो हमने एसिड के साथ कराई थी, है ना, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है उनकी रिएक्शन हम बेस के साथ कराएंगे। तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा, अभी बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो मैंने एक ऐसी रिएक्शन ले ली है, मैंने क्या किया, मैंने एक नॉन मेटल ऑक्साइड लिया, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड ले लिया। फिर मैंने बेस लिया, क्योंकि मुझे एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन करानी है, तो बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो व्हेन दे विल रिएक्ट, दे विल फॉर्म सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3, ये आपको फॉर्मूले बनाने आते हैं, है ना। CO3 पे कितना चार्ज रहता है, 2 नेगेटिव, सोडियम पे कितना चार्ज रहता है, +1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना था, है ना, बताया था ना मैंने। तो ये बना है आपका Na2CO3, दैट इज योर सोडियम कार्बोनेट, जो कि खुद एक साल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखा गया कि जब भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं वो एक सॉल्ट और एक वाटर प्रोड्यूस करते हैं। अब समझ में आ गया कि नॉन मेटल को बेस के साथ क्यों कराया, क्योंकि नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो यहाँ पे एक एसिड की बेस से रिएक्शन है ये, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए इसको, ओके। नाउ ये क्वेश्चंस हैं, कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, इनके आंसर आपको, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको इनके आंसर आने चाहिए जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँ, ओके। तो व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस, समझ गए ना, कर्ड माने दही एंड सोर मतलब खट्टी चीजें, ओके। कर्ड में भी एसिड होता है और खट्टी चीजों में भी एसिड होता है, ठीक है। नॉट बी कैप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, ठीक है। तो ब्रास के वेसल्स हैं, ये जो कॉपर के वेसल्स हैं, उनमें दही और खट्टी चीजें नहीं रखी जानी चाहिए, क्यों, व्हाट्स द रीजन, यू कैन से बिकॉज देयर मस्ट बी सम एसिड प्रेजेंट इन दिस कर्ड एंड सम सोर सब्सटेंसेस, एंड दिस एसिड विल रिएक्ट विद द मेटल,
ठीक है, जिस भी मेटल का वो वेसल बना है, जैसे ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक का बना होता है, ठीक है, तो ब्रास जो एलॉय है कॉपर और जिंक का, तो ब्रास में कॉपर भी प्रेजेंट है और जिंक भी प्रेजेंट है, और कॉपर वेसल में भी, क्योंकि ये जो मेटल है ये एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएंगी, और रिएक्ट करने से क्या होगा, अच्छे से रिएक्ट करती हैं, तो आपको पता है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, जिससे क्या होगा कि आपका जो फूड आइटम है जो भी आपने रखा है वो खराब, वो उसका केमिकल कंपोजिशन हो गया, उसकी केमिकल रिएक्शन होगी, मतलब उसका जो वो सब्सटेंस है वो किसी और सब्सटेंस में अब चेंज हो गया है ना, अभी वो सोर्स सब्सटेंस जो था आपका वो किसी उसमें चेंज हो गया है, ठीक है, क्लियर। नाउ